हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उन पे जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें कल पता, लास्ट लेक्चर में हमें पता चल गया कि डेसिमल्स होते क्या है। तो मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि जो डेसिमल्स है वो एक और रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शंस की। तो जब फ्रैक्शंस की बात होती है तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल्स में। ठीक है, या उसका वाइस वर्सा हो सकता है कि डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस में। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन दिया गया है, लाइक हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डेसिमल नंबर। ठीक है, सिंपल है। लाइक अभी हमारे पास फ्रैक्शन है 2/10, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म है तो फ्रैक्शन हो गया 2/10। अब इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, देखना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ऊपर जो डेसिमल है वो एक स्टेप लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप तो ऊपर एक ही है तो पॉइंट टू के बाद पॉइंट आएगा और ज़ीरो हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। पॉइंट टू लिखो या 0.2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या किया हमने, क्योंकि 10 में 10 है तो यहाँ पे जो ऊपर है डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट को मूव करें। अगर हमारे पास 2 होते, फॉर एग्जांपल 2/100 होता, तो वहाँ पे क्या होता, तो जो है ज़ीरो डेसिमल जो है 2 आगे जाता है। अब ऊपर एक ही डिजिट है तो 2 कैसे आगे जाएगा, तो हम 2 के साथ 0 लगाएंगे, तो पॉइंट 2.02 2 आ गए ना, ये 2 थे तो यहाँ पे हमने 2 आगे किया। यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है, यूजली लगाया करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 होते तो 3 आ जाता, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता। सिंपल है। तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो जितने 0 नीचे होंगे उतने स्टेप्स हमें ऊपर को लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, अब हमेशा से सिंपल फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फ्रैक्शन है एडिशन फॉर्म में 80+2/10, इसमें फ्रैक्शन ये पोर्शन है, जो होल नंबर है इसको ऐसे ही रखेंगे, 80 को ऐसे ही रखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। 2/10 जैसे हमने ऊपर किया वो 0.2 के बराबर आएगा। ठीक है, 0.2, 80+0.2 ये हो गया 80.2। ठीक है, 80.2 जो है इसका, जो जब हम इस फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, 80.2। सिमिलरली हमारे पास 64/10 है, सिंपल है, 10 है तो डिजिट डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट साइड को जाएगा, इस तरफ जाएगा एक स्टेप, तो 6.4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर डेसिमल है 2/5 यहाँ पे 10 था तो 0 दिया हुआ था, तो हमें पता था कि अगर 10 है तो 1 मूव करना, अगर 20 है तो 2 मूव करना, लेकिन यहाँ पे अभी 0 तो है ही नहीं, 5 है, तो इसको कैसे करेंगे। इसको हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका हम कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये 2/5 को जब हम मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 करते हैं नीचे भी, तो 2/2 जब करता है तो ये 1 बचता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो वो वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4। सिमिलरली 2/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आएगा, तो अगर हम ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी 2 मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 2/5 by 1, तो एक ही बात है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 हो गया 4, 5 × 2 हो गया 10, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 10 फॉर्म में आ गया, 10th फॉर्म में आ गया, तो 10 है, कितने स्टेप जाएगा लेफ्ट की तरफ, 1, तो 0.4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी, अगर आपके पास फ्रैक्शन होगी तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल्स में। अब हम उल्टा देखते हैं, अगर हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा होगा। लाइक 13.7 है हमारा, तो हम ऊपर लिखेंगे 137, कोई डेसिमल नहीं लेंगे, डेसिमल के बदले नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा, 13.7, ठीक है, इसको लिखूंगा मैं 137। अब डेसिमल के बदले क्या आएगा नीचे, 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा, 137/10। अब हमारे पास 0.2 है तो इसका अपोजिट होगा, जैसे हमने 2/10 को 0.2 में कन्वर्ट किया था, वैसे 0.2 को करेंगे कन्वर्ट 2/10 में। क्यों ऐसे होगा, 0.2 है तो इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे
पॉइंट के बाद नीचे वन आएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, एक है, तो जीरो आएगा, टू बाई टेन। अब यहाँ पे देखो 6.4 है, इसको क्या करेंगे 64 लिखेंगे, पॉइंट के बदले डेसिमल के बदले वन आएगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो आएंगे, एक है तो एक आएगा। तो इस तरह हमने डेसिमल्स को कन्वर्ट किया फ्रैक्शंस में, तो इजी है। तो ये आज का टॉपिक था कि हम फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इजी है, सिंपल है, ये चीज़ याद रखनी है। इस बेस पे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, गॉड ब्लेस यू।